एक ऐसी मूवी आई है जो अभी सिर्फ दो मतलब आ रही है, जिसके ट्रेलर रिलीज हो चुका है, लेकिन दो लैंग्वेजेस में आया है ट्रेलर उसका, एक तेलुगु में आया है एक तमिल में आया है। तो अगर आप तमिल मूवी मतलब तमिल में उसका अगर नाम सुनोगे तो नेम है उसका पिचकारन टू, वो प्रोनाउंस सही किया हो, लेकिन अगर आप तेलुगु में वो नेम सुनोगे तो बिचा गाड़ू टू। तो ये मतलब नेम मतलब दोनों का सेम है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम हो चुका है, ठीक है, एक पिचकारन टू और एक बिचे गाड़ू टू, ठीक है। तो हम देखने जा रहे हैं जिस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं, 3 दिन मतलब 3 दिन पहले ही आए थे दोनों लैंग्वेजेस में ट्रेलर, ठीक है, दोनों सारे गामा तमिल और सारे गामा तेलुगु के यूट्यूब चैनल पर आए थे, 3 दिन पहले ही आए थे। एक तमिल वाले पे 3.5 मिलियन व्यूज़ है 3 दिन में, और तेलुगु वाले पे 3 दिन में 4 मिलियन व्यूज़ है, मतलब कह सकते हो 5 लाख व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो हम डाइव इन करते हैं अब बिचे गाड़ू टू, लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो मेरे पीछे की साइड है पिचकारन टू लिखा है, तो देख रहे हो थंबनेल यहाँ है ये यहाँ है, तो हम दोनों की ऑडियंस को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने इसका ये वाला वीडियो शायद से रिएक्ट किया था, ये वाला या ये वाला मुझे याद सा आ रहा है शायद से, अगर होगा तो उसका थंबनेल यहाँ आ रहा होगा, एंड आप ज़रूर से देख सकते हो वो वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर होगा तो। हम डाइव करते हैं पहले बिचे गाड़ू टू पे, ठीक है, सब टाइटल्स मैं ऑन कर दूंगा ऑफ कोर्स, ठीक है, मेरी जितनी भी हिंदी ऑडियंस या इंग्लिश वाली ऑडियंस या और अदर लैंग्वेजेस की ऑडियंस है वो आराम से अंडरस्टैंड कर पाएगी, समझ पाएगी, एंड साथ ही मैं भी समझ पाऊंगा ना। तो डाइव इन करते हैं पहले, आ जाओ लेट्स गो। विजय गुरुमूर्ति ओके, इंडिया लोने 7th richest man, इंडिया का 7th richest man, ओके, कोट लके वारस डुबे, ही ओन्स मिलियंस बिलियंस, स्नेक का क्या सीन दिखाया इन्होंने, यो ही बात, नाइस, अब मैं यहीं पॉज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस सीन में 1 मिनट 56 या 55 सेकंड्स में सेम, जब हम तेलुगु वाला देखेंगे, ये शायद से तेलुगु वाला है तमिल वाला है, ये तेलुगु वाला है, तो अगर हम तमिल वाला देखेंगे तो उसमें पिचे कारण ये आ रहा है, देखो सेम, मैं इसको यहीं पे रुकूंगा और आप सब फील लो। अब हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बस मुझे नेम बताना था जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, नेम मूवी एक है, लैंग्वेजेस की वजह से नेम अलग अलग है, ठीक है, मूवी के टाइटल का नेम अलग अलग है, मतलब बहुत तमिल वाले लोग तेलुगु वाले लोगों से कहेंगे बिचे गारन टू या बिचे गाड़ू टू देख ली, तो तमिल तेलुगु वाले कहेंगे ना तमिल वाले से, तमिल वाले कहेंगे अरे उसका नाम तो पिचे कारन है, तो वही, तो लड़ना मत, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हो सकता है ये IAS IPO सॉरी IAS के क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, पेपर में आ जाए ये क्वेश्चन, आ जाओ, सबटाइटल्स इसमें नहीं है, ओके, ये दिक्कत भरा काम है, इसमें सबटाइटल्स नहीं है, इसमें सबटाइटल्स हैं, यहाँ था ना, हाँ, हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि मैं बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें इन्फो दे रहा हूँ और इन्जॉयमेंट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मत सोचो ना डिस्टर्ब हो रहा है ऐसे, हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं देख पा रहे, इसका मैं लिंक दे दूंगा इस ट्रेलर का दोनों लैंग्वेज में, तो आप जाकर इंजॉय खुद भी कर सकते हो, बाकी हम तो इंजॉय कर रहे हैं और रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो ये इन्फो देना भी जरूरी है ना। ओके, विजुअल्स अच्छे हैं, मतलब ऑल ऑफ विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, प्लेन क्रैश हो गया, నేను మాత్రమే కాదు న్యాయశాస్త్రం మొత్తం ఏం జరుగుతుందా అని ఎదురు చూస్తోంది, क्राइम बढ़ चुका है देश में, ओके, okay.
छोटे बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। ओके उसका क्या मतलब प्लॉट रखा गया गाने का या उस गायत्री मंत्र का बहुत अच्छी तरीके से मतलब उसको सटल वे में खिसका दिया गया और वो अच्छा लग रहा है। मतलब वो यहाँ से शुरू हुआ एंड वो एंड तक रहा, ठीक है। ये विजुअल्स कितना अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में शॉट लिया गया होगा रियल में, लेकिन ये मतलब ये रियल में स्नेक है का नेम क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है ये। मतलब यहाँ से मतलब देख रहे ड्रोन शॉट कितना सही लिया गया, इतनी ऊंचाई से ड्रोन शॉट लिया गया है, ठीक है। एंड इस ये कार एक्चुअल में बहुत हाई स्पीड में चल रही है और इसकी स्पीड को मतलब बिल्कुल ड्रोन की स्पीड, मतलब ड्रोन की स्पीड तो बहुत कम होती है इस कार की स्पीड से, तो मतलब ड्रोन कैसे इसको चेस कर रहा है और वो बहुत अच्छी तरह से मतलब दिखाया गया है हमें। और प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपना दिखा रहे हैं, बट बात यह है कुछ गलत चल रहा है और अपना हीरो कुछ उन मतलब कह सकते हो ना शहर के अंदर जो क्राइम चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ करने वाला है अपना हीरो, मुझे तो ये लग रहा है। बाकी ऑल ओवर मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, लैंग्वेज बैरियर था, ठीक है। दोनों लैंग्वेजेस में नहीं आती मुझे, ना तेलुगु ना तमिल, तो लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं था। लेकिन विजुअल्स बहुत अच्छे, साउंड इफेक्ट्स अच्छा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी की गई है, डायरेक्शन बहुत अच्छी की गई है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, VFX हमें अच्छा देखने को मिलता है इधर। ऑल ओवर मूवी का नाम ये है बिचिकाडू 2 एंटी पिकिली, ठीक है। सेम पिचकारन 2 एंटी पिकिली मूवी का नेम है ये, तो कन्फ्यूज मत होना कोई भी, ठीक है। और VFX इसमें यूज़ किए गए हैं, CGI भी यूज़ किया गया है, ठीक है। VFX किस स्टूडियो ने यूज़ किया है वो यहाँ लिखा है गुड डेवल्स, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किया गया है एक्चुअल में, बहुत अच्छी तरह से वो उसका मतलब यूज़ किया गया है। मतलब कह सकते हो जो मूवी में पैसा लगाया गया है वो अच्छी तरह से सही से टाइम लेकर संतुष्टि से लगाया गया है, और मतलब वो दिख रहा है बहुत अच्छा काम किया गया है मूवी के अंदर। अब देखते हैं ये हिंदी में कब आ रही है मूवी, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ और लाइक का बटन ज़रूर से दबा रहा हूँ, तो तुम इस रिएक्शन को ज़रूर से लाइक कर देना। बाकी तुम बताओ अपना ओपिनियन, अपना सुझाव, अपना नजरिया। बाकी जो भी मेरी तेलुगु ऑडियंस है, तमिल ऑडियंस है, और जिन्होंने भी ये ट्रेलर देखा है, नहीं देखा तो इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, तो देखकर मुझे ज़रूर से समझा देना, और जिन्होंने देख लिया है वो भी ज़रूर से मुझे समझा दें कि इन या इस मूवी में क्या चल रहा है, किस टॉपिक पे बात चल रही है, किस विषय पे बात चल रही है। बट समझाना प्लीज़ हिंदी या इंग्लिश में, अपनी लैंग्वेज में मत समझाना क्योंकि फिर मैं कहाँ ट्रांसलेट करना बैठूंगा, बट प्लीज़ समझा देना, मुझे बहुत बढ़िया लगा। तुम बताओ अपना ओपिनियन, अपना सुझाव, अपना नजरिया, क्योंकि चैनल का नाम भी ज़रूर से अपना नजरिया ना। बाकी चलता हूँ, लेता अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।